अभी तक की खबर यही है कि भारत में कल हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा चुक को लेकर आज दिन भर की गहमागहमी बनी हुई है और देश की हालात और खासकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए। यही सब आज दिन भर की मुख्य न्यूज है और कोविड ओमिक्रॉन की भयावहता भी बढ़ती जा रही है और इससे जगह जगह और सभी राज्यों में स्थिति भी लगभग लगभग बदलती जा रही है और कहीं कहीं लॉकडाउन और लगभग सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू की भी संभावनाएं लग चुकी है या लगने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में उथल पुथल का यह साल भी शुरू हो चुका है। तो यही आज की खबर है और मुख्य रूप से देखा जाए तो यही आज दिन भर खबरें बनी हुई है, खासकर कोरोना और प्रधानमंत्री की सुरक्षा चुक को लेकर। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे आगे बात करते रहेंगे, लेकिन अभी कहानियों की सीरीज का टाइम है तो चलिए हम अब शुरू करते हैं कहानियों की सीरीज। अपने सीएम चन्नी से कहना, मोदी जिंदा वापस जा रहा है। किसी को कही गई है बातें, किसी ने किसी को कही बातें को अभी यहीं रोक दीजिए और अभी आप हमारे साथ चलिए भारत की राजधानी नई दिल्ली, जहां से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष पंजाब के दौरे पर है, जहां पर वो भटिंडा में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ वे वहां से आगे जाकर एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक का लोकार्पण और उसका अवलोकन भी करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी ही दुखद घटना घट जाती है। इसे आप दुखद घटना कहिए या इसे सुरक्षा में चूक कहिए, ये घटना घटती है और जिसके बाद पूरे देश में कल रात और आज दिन भर से देश में हड़कंप मचा हुआ है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसकी बातें कर रही है और अपनी अपनी बातों को बता रही है और कह रही है। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं News 24x का कहानियों की सीरीज पॉलिटिकल किस्से, जिसमें हम बात करेंगे वो 20 मिनट। जी हाँ, वो 20 मिनट की कहानी जो आज दिन भर और कल रात पूरी रात भर जो देश की सुरक्षा को लेकर, देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर स्थिति के ऊपर रात और दिन भर आज चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी के बीच तनातनी और घातक आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है। जी हाँ, बात है 5 जनवरी 2022, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल में भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि इन सभी राज्यों में इस बार आम चुनाव, विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। बात है कल यानी कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करोड़ रुपए के सौगात देने के लिए पंजाब के दौरे पे थे। इसके लिए वे दोपहर बाद पंजाब के दौरे पर भटिंडा पहुंचे। भटिंडा एयरबेस पे उतरने के बाद वहां के मौसम की बहुत ही ज़्यादा खराबी और दृष्टता के चलते उन्हें 20 मिनट तक वहां पे रुकना पड़ा। 20 मिनट के बाद भी जब उनको वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्हें अपने सारे कार्यक्रम को रद्द करके वापस फिर से भटिंडा वापस आना पड़ा। भटिंडा एयरबेस पर वे वापस आ गए और वहीं पर जब वे भटिंडा एयरबेस से अपने फ्लाइट से जब वापस नई दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने वहीं पर किसी अधिकारी को, ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन किसी अधिकारी को उन्होंने उपयुक्त बातें बोली, जैसे जहां पे मैंने आपको रोक के आया था, अपने सीएम चन्नी से कहना कि मोदी जिंदा वापस जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस 20 मिनट में? जब वे हुसिंगाबाद स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक की तरफ उनका काफिला बढ़ा तो हुसिंगाबाद राष्ट्रीय स्मारक के 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर उनके काफिला को प्रदर्शनकारियों के चलते उन्हें रोकना पड़ा। 20 मिनट तक वहां पे उनकी सुरक्षा में लगे एसपीजी के सभी सीनियर ऑफिसर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस से संपर्क साधने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन उनके तरफ से कोई सूचित
क्या कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया और उनको वहां से आगे जाने के लिए कोई भी वैकल्पिक रास्ता मुहैया नहीं कराया गया, जिसके चलते उनकी सुरक्षा को देखते हुए एसपीजी कमांडो ने 20 मिनट के बाद उन्हें वापस भटिंडा एयरबेस लेकर आए और उन्हें वहां से फिर बिना किसी कार्यक्रम को, यहां तक कि फिरोजाबाद में होने वाले कार्यक्रम को भी उन्होंने अगर स्थगित करना पड़ा और उन्हें वहां से वापस फिर नई दिल्ली आ गए। इस सुरक्षा लापरवाही को देखते हुए पूरे पंजाब सरकार कटघरे में आ चुकी है, पंजाब पुलिस की भी सुरक्षा कटघरे में आ चुकी है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट या किसी भी जगह पे अपने दौरे पे निकलते हैं तो उनके लिए एक सुरक्षित जाने और आने के लिए रोड या आप उसे मार्ग कर लें उन्हें सुनिश्चित करवाई जाती है और उन्हें वहाँ पे पूरी सुरक्षा दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जब एसपीजी सुरक्षा के अंतर्गत किसी राज्य के दौरे पे जाते हैं तो उन्हें 2 से 3 वैकल्पिक सड़क मार्ग की भी सुरक्षा दी जाती है, जहाँ पे पहले से ही स्टेट पुलिस के बड़ा आला अधिकारी उन सभी मार्गों को का मॉक ड्रिल करते हैं, वहाँ की सुरक्षा जानकारियों को हासिल करते हैं, उसके बाद में 2 से 3 मार्गों का वो लोग चयन करते हैं जिसे वो लोग आगे एसपीजी को इन्फॉर्म करते हैं और एसपीजी उसमें से कोई एक वैकल्पिक मार्ग को चुनकर वहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला वापस जाता है। और यह इतना सीक्रेट मामला होता है कि वहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं होती है कि प्रधानमंत्री का काफिला इस मार्ग से गुजरने वाला है। लेकिन कल उनके मार्ग के की जो सीक्रेसी थी उसे मेंटेन नहीं किया गया और यह वहाँ के लोगों को और वहाँ के आसपास के लोगों को ये बात का मालूम चल चुका था कि प्रधानमंत्री किस रूट से जाने वाले हैं। बीच सड़क पे ट्रैक्टर ट्रॉली भी आके लगा दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन पंजाब सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर कतई गंभीर दिखाई नहीं दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल का वह 20 मिनट इस देश के लिए सबसे बड़ा घातक हो सकता था और ऐसा तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो बड़ा सेंध लगा है वो एक साजिश के तहत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको लेकर केंद्र की गृह मंत्रालय साथ ही साथ केंद्र के जो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं आईडी हुए चाहे सीबीआई हुए चाहे जो भी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं उस सब की लापरवाही भी इसमें दिखाई दे रही है। यहां तक कि पंजाब सरकार इस सब को लेकर अपने आप को क्लीन चिट देने की भी बात बोल रही है और अपनी पुलिस को भी क्लीन चिट दे रही है और खबर के अनुसार सिर्फ उन्होंने अपने एसएसपी को ही सस्पेंड करने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आने वाले समय में इस देश के लिए कोई बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। प्रधानमंत्री सकुशल वापस दिल्ली आ गए। आगे भी इस कहानी को लेकर हमारी बातचीत आपसे जारी रहेगी और हम आपको आगे बताएंगे कि आगे गृह मंत्रालय साथ ही साथ पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और वहां के जो आंदोलनकारी यानी कि प्रदर्शनकारी के तरफ से इस सब को लेकर क्या बात कहा गया। तो अभी कहानी आगे भी जारी रहेगी। अगर आपको हमारे ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल News24Byte को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी कहानियों की सीरीज और लंबी आने वाली है। तब देखते रहिए News24Byte। तब तक के लिए